और ये क्या है, कोई टाइम टी दे रखा है, T1, ठीक है। तो इसकी थोड़ी सी स्टडी करते हैं। तो इसकी स्टडी अगर करें तो हमको ये बताइए कि ये पार्टिकल शुरू कहाँ से हो रहा है, ये पार्टिकल शुरू कहाँ से हो रहा है। तो मैं आपको बता दूँ, सिंपल सिंपल और सीधे शब्दों में मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी VT कर्व आपको दे रखा है तो आप VT कर्व को देख के ही ये नहीं बता सकते हो कि पार्टिकल की शुरुआत कहाँ से हो रही है, मतलब T=0 पर पार्टिकल कहाँ पर है, ठीक है। दोबारा सुनो इसी बात को कि VT कर्व को देख के आप पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन नहीं बता सकते हो, VT कर्व को देखकर आप पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन नहीं बता सकते हो। इसलिए इसलिए आप हमेशा जब भी VT कर्व की स्टडी करें तो ये मान लीजिए कि पार्टिकल T=0 पर, X=0 पर है, मतलब T=0 पर कहाँ है पार्टिकल, एट X=0। तो मान लीजिए कि T=0 पर पार्टिकल की शुरुआत कहाँ से हो रही है, X=0 से। अब आप स्टडी करने में कामयाब रहेंगे। तो देखो कि अगर T=0 पर देखें तो पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव में है, नेगेटिव का मतलब पार्टिकल किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, और कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, V0 से, ठीक है, V0 से इधर जा रहा है, ठीक है ना। नेगेटिव कैसे पता लगा, क्योंकि T=0 पर पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव में है, ठीक है, नेगेटिव में है। अब ये पार्टिकल इधर जाएगा 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 जाएगा, और कब तक जाएगा, T=T1 तक। क्यों, क्योंकि यहां पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो यहां पे मान लीजिए इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, और फिर क्या कर रहा है पार्टिकल, पॉजिटिव में इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, बेसिकली ऐसे 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 पार्टिकल निकल जाता है, ठीक है। और ऐसा बेसिकली क्यों हो रहा है, उसका रीजन है एक, उसका रीजन ये है, पहले यहां पे टाइम बताइए T=2 कितना है, T1। तो रीजन क्या है कि पार्टिकल पलटी क्यों मार रहा है, उसका रीजन ये है कि इससे देख के ये पता लगता है कि इस लाइन का स्लोप देखा जाए dv/dt तो वो क्या है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है। इसका मतलब dv/dt क्या होता है, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन बेसिकली इस पर्टिकुलर केस के लिए पॉजिटिव है, और वो कांस्टेंट भी है, क्योंकि लाइन का स्लोप हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इस लाइन का स्लोप कांस्टेंट है, और वो कितना है, dv/dt, और वही क्या है, एक्सेलरेशन। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं, और अच्छे से बोल सकते हैं कि VT कर्व का स्लोप यहाँ पर कॉन्स्टेंट है और वो पॉजिटिव है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन पार्टिकल का क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ठीक है ना। तो इस वजह से पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में थी, इसलिए पार्टिकल ने यहां जाके पलटी मारी और फिर पार्टिकल ऐसे निकल लिया। रियलिटी में क्या हो रहा होगा, रियलिटी का थोड़ा सा रियल चेक और करते हैं। तो रियलिटी का चेक क्या हो रहा होगा कि मान लीजिए पार्टिकल कुछ ऐसे जा रहा होगा, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हुई होगी, फिर पार्टिकल ऐसे ही निकल गया होगा, ठीक है। मतलब पार्टिकल पहले इधर गया होगा, फिर लौट के आया होगा और ऐसे निकल गया होगा। सो ऐसे हम कह सकते हैं कि पार्टिकल चलता ओनली वन लाइन में है, ये आपको समझाने के लिए मैं ऐसा बनाता हूं, ठीक है, ठीक है। और वो पार्टिकल यहां से एक्स नॉट से शुरू हो रहा है, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है कि ये आपको टाइम दे रखा है मान लीजिए T2, और ये आपको दे रखा है T1, और ये आपको दे रखा है T3। अब इसकी स्टडी करें तो देखो क्या पाया कि पहले तो ये क्या है, भरता पानी, मतलब क्या है, ए इसकी ओपनिंग क्या है, ऊपर की तरफ है, मतलब भरता पानी ऊपर की तरफ ओपनिंग है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि इस पार्टिकल के लिए एक्सेलरेशन क्या है, ग्रेटर देन जीरो। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए एक्सेलरेशन तो ग्रेटर देन जीरो है, मतलब एक्सेलरेशन इस पार्टिकल के लिए पॉजिटिव है। अब इसकी स्टडी करते हैं, तो स्टडी हम करने के लिए पहले यहां पर एक्स बनाया, ठीक है, ये X=0 है। T=0 पर पार्टिकल कहां पर है, एक्स नॉट पे, मतलब पार्टिकल की पोजिशन T=0 पर पार्टिकल कहां पे है वो हम XT कर्व से ही निकाल सकते हैं। तो यहां पर T=0 पर पार्टिकल कहां पे है, X=X0 पर, X=X0 पे है, ये X=0 है। अब क्या कर रहा है पार्टिकल, अब पार्टिकल के पास में अगर देखा जाए T=0 पर, अगर इस कर्व को देखा जाए तो इसका स्लोप नेगेटिव है, इस कर्व का स्लोप नेगेटिव है T=0 पर। इससे हम यहां कह सकते हैं कि स्लोप XT कर्व का क्या होता है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या है बेसिकली T=0 पर नेगेटिव। इसका मतलब पार्टिकल किधर मूव कर रहा है, पार्टिकल नेगेटिव X डायरेक्शन में मूव करेगा इनिशियली, ठीक है ना। और पार्टिकल नेगेटिव X डायरेक्शन में मूव करेगा, बट हमें पता है कि एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव में, इसलिए पार्टिकल को कहीं ना कहीं से पलटी तो मारनी पड़ेगी। पार्टिकल को क्या मारनी पड़ेगी, पलटी तो कहीं ना कहीं से मारनी पड़ेगी। तो अब देखो कि क्या हुआ, यहां पे जाके X=0 क्या हो गया, जीरो, ठीक है। बट यहां पे X=0 तो जीरो हो गया, बट यहां पे स्लोप तो है ना, स्लोप है, और वो स्लोप क्या है, XT कर्व का नेगेटिव, मतलब यहां पे भी अभी भी इसके पास में वेलोसिटी है
और वो नेगेटिव में जाता रहेगा, और कब तक जाता रहेगा, जब तक इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाए। यहाँ पे स्लोप एक्स टी कर्व का, यहाँ पे स्लोप डी एक्स बाई डी टी क्या है, जीरो। मतलब यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या है, जीरो। मतलब वेलोसिटी एट टी टू क्या है, जीरो। तो मतलब टी टू पे क्या होगा, ये पलटी मारेगा। यहाँ पे जब क्रॉस कर रहा होगा तो t इक्वल टू कितना है, t1, क्योंकि t इक्वल टू t1 पर इसका x इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। तो पलटी मारा इसने, कहाँ पे पलटी मारा, यहाँ पे t इक्वल टू कितने पे पलटी मारा, t इक्वल टू t2 पर पलटी मारा, ठीक है ना। t इक्वल टू t2 पर v वेलोसिटी क्या हुई इसकी, जीरो। और पलटी मार के ये इधर मूव करने लगा, इधर मूव करने लगा, इधर निकल गया। समझ आ रही है? तो ऐसे पार्टिकल की स्टडी हम कर सकते हैं बेसिकली, कि यहाँ पे जब लौट रहा होगा तब कितने, कितना t इक्वल टू कितना हो रहा होगा, t3, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे x फिर से क्या हो रहा है, जीरो। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं कि पार्टिकल की स्टडी कुछ ऐसे हो सकती है। ठीक है, रियलिटी में क्या है, ये वन लाइन में ही चलता है। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि पार्टिकल कुछ यहाँ से शुरू हो रहा है और ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो होती है, फिर लौट के उसी लाइन पे आके इधर निकल जाता है। मतलब पहले इधर जाता है, फिर क्या है, पार्टिकल इधर लौट के आता है और इधर निकल जाता है। बात समझ आ रही है? तो ऐसे कुछ पार्टिकल के साथ में कहानी हो रही है। इफ आई टॉक अबाउट, मैं यहाँ पे एक और कर्व ले रहा हूँ, और वो क्या है आपका, वी टी कर्व ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ, वी टी कर्व। तो लिखिए, तो ये आपका क्या है, वी टी कर्व है, ये आपका वी नॉट है, ये आपका टी वन है, ये आपका t2 है, ये आपका t इक्वल टू जीरो है। हमको पता है कि इस कर्व की अगर हमको स्टडी करनी है तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि हमको इनिशियल पोजीशन का कोई यहाँ से इल्म नहीं हो सकता, यहाँ से कोई पता नहीं लग सकता। हम कह सकते हैं कि इफ दिस इज x डायरेक्शन एंड दिस इज x इक्वल टू जीरो, तो हमने आपको बताया था कि पार्टिकल की शुरुआत कहाँ से मानेंगे हम, हमेशा x इक्वल टू जीरो से, क्योंकि vt कर्व से हम ये पता नहीं लगा सकते कि पार्टिकल की शुरुआत कहां से हो रही है। तो यहां से देखिए कि पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, v नॉट। इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की v नॉट है, और वो क्या है, पॉजिटिव में। मतलब पार्टिकल किधर जा रहा है, पॉजिटिव में जा रहा है, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी कितने से, v नॉट से। और यहां से देख सकते हैं कि यहां से यहां तक, मतलब t इक्वल टू जीरो से t इक्वल टू t1 तक एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, मतलब इसका एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव। एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव, ठीक है ना। और वो किधर है, इधर। और वो कब तक है, t इक्वल टू, ये कितने पे सिचुएशन थी, t इक्वल टू जीरो पर, t इक्वल टू कह सकते हैं अपन, t इक्वल टू कितने तक सिचुएशन थी बोलो, t इक्वल टू वन तक, t इक्वल टू t1 तक ये सिचुएशन थी, जहां तक क्या हो रहा था कि इसकी वेलोसिटी बढ़ते 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 बढ़ती गई, और बढ़ते बढ़ते मैं मान लो कि इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम कुछ हो गई, मान लीजिए कुछ v1 हो गई, ठीक है ना। तो इसकी वेलोसिटी v1 हो गई बढ़ते बढ़ते, तो यहां पे इसकी वेलोसिटी जो हो गई वो तो वेलोसिटी तो हो गई v1, ठीक है। यहां के बाद हुआ क्या है, यहां के बाद हुआ क्या है कि इसका एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गई। मतलब यहां से यहां तक इसकी वेलोसिटी बेसिकली क्या हुई, इंक्रीज हुई, ठीक है। क्यों हुई, क्योंकि इसी की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन था, ठीक है। अब देखो t1 से t2 तक क्या हुआ है, वेलोसिटी डिक्रीज किया है, और वेलोसिटी कहां पहुंच गया है, जीरो पे पहुंच गया है। उसका रीजन ये भी है कि t1 से t2 तक अगर देखें इस कर्व में, तो यहां पर स्लोप क्या है, dv by dt, इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं देखूं तो वो क्या है, नेगेटिव। और dv by dt नेगेटिव का मतलब हुआ कि एक्सेलरेशन क्या है आपका, नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन t1 से t2 तक नेगेटिव है, तो हमका हमारा क्या हो रहा है कि ये पार्टिकल यहां से यहां गया, और t इक्वल टू t2 पर इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो, क्योंकि यहां से वेलोसिटी क्या हो रही है, बेसिकली डिक्रीज हो रही है। यहां पे फाइनली वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। और उसका रीजन ये भी है कि यहां से यहां तक जब पार्टिकल ट्रेवल किया तो इसका एक्सेलरेशन क्या था, नेगेटिव। एक्सेलरेशन था आपका नेगेटिव, मतलब इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। अब क्या हुआ, पार्टिकल पलटी मारा, और पलटी मार के क्या है, पार्टिकल ने नेगेटिव में वेलोसिटी पकड़ी। मतलब पलटी मार के पार्टिकल मान लीजिए यहां से इधर चलने लग गया, ठीक है। पलटी मार के यहां से पार्टिकल इधर चलने लग गया, और यहां से फिर हमेशा के लिए इधर चलता रहा। बात समझ आ रही है? तो ऐसा कुछ ये सिचुएशन यहां पर हो रही है। अगर मैं मानूं कि यहां से x इक्वल टू जीरो से ये वाली अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी है, ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, मान लीजिए डिस्टेंस है एक्स वन, ठीक है ना। ये मान लीजिए कि ये x इक्वल टू एक्स वन वाली सिचुएशन है, x इक्वल टू क्या है, x1 वाली सिचुएशन है, और ये वाली सिचुएशन जो है
वो है x इक्वल टू एक्स टू वाली सिचुएशन। मतलब यहां से यहां की जो डिस्टेंस है वो कितनी है x2 माइनस x1, और यहां से यहां तक जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है x2, ठीक है। यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है x1, ठीक है ना। मतलब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो यहां से यहां तक कितना है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट x1, यहां से यहां तक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है x2 माइनस x1, ठीक है ना। तो ये ध्यान रहे, तो ये सिचुएशन क्या है पार्टिकल की x इक्वल टू x2 वाली सिचुएशन। तो अगर मुझे x1 की वैल्यू चाहिए तो x1 की वैल्यू क्या होगी, मुझे एक बात सोच के बताइए कि x1 की वैल्यू क्या होगी, ये मुझे सोचो। तो अगर मैं x1 की वैल्यू की बात करूं तो मैंने बताया था कि ये क्या है डिस्प्लेसमेंट, t इक्वल टू जीरो से t इक्वल टू t1 तक डिस्प्लेसमेंट है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, vt कर्व का एरिया अंडर द कर्व। तो बेसिकली ये वाला जो है ना, ये वाला एरिया ही क्या है बेसिकली आपका x1, ये वाला एरिया ही बेसिकली आपका क्या है x1, ये वाला एरिया ही आपका क्या है x1। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये एरिया क्या है आपका x1 है, ठीक है। अब मैं t1 से t2 बात करूं तो t1 से t2 इसने कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका, t1 से t2 बताइए, t1 से t2 जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो x2 माइनस x1 हुआ है। तो ये एरिया की मैं अगर बात करूं, ये एरिया की, तो ये एरिया है आपका x2 माइनस x1, कितना x2 माइनस x1। तो ये एरिया आपका x2 माइनस x1 है। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है कि अगर मैं टोटल एरिया की बात करूं, टोटल फ्रॉम जीरो से टी टू की अगर बात करूं, जीरो से टी टू तक कितना डिस्प्लेस हुआ पार्टिकल, जीरो से टी टू तक अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, डिस्प्लेसमेंट तो वो क्या है एक्स टू, और वो ही क्या है जीरो से टी टू तक एरिया अंडर द कर्व, क्या जीरो से टी टू तक एरिया, एरिया कहां से कहां तक, t इक्वल टू जीरो टू टी टू, ठीक है। अगर मैं बात करूं x1, तो x1 क्या है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम जीरो से t1, और वो क्या है एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम जीरो से t1, ठीक है ना। तो ऐसे हम ये देख सकते हैं कि x1 x2 की अगर हमें वैल्यू चाहिए तो ऐसे भी हमें मिल सकती है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें ग्राफ से क्या है सारी की सारी सिचुएशंस, सारी की सारी जो सिनेरियो जो भी है वो हमें यहाँ पे स्टडी करने को मिल रहा है। एक्सेलरेशन पता लग रहा है कि x डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ पार्टिकल का, वो पता लग रहा है, सारी डिटेल्स हमको पता यहाँ पे लग रही है। लिखिए इस कर्व की हमको स्टडी करनी है, इस कर्व की क्या करनी है स्टडी करनी है। तो स्टडी करने के हम देखते हैं स्टडी क्या कर सकते हैं इसकी। तो हमने बताया था कि vt कर्व से ये तो पता नहीं लगता हमको कि t इक्वल टू जीरो पर पार्टिकल कहाँ है, इसलिए हम ये मान लेते हैं कि पार्टिकल इज एट x इक्वल टू जीरो। सो नाउ इफ आई टेक दिस इज x एंड पार्टिकल इज एट x इक्वल टू जीरो एट t इक्वल टू जीरो, एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि द वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल इज नेगेटिव। क्या है वेलोसिटी पार्टिकल की, हाँ t इक्वल टू जीरो पर मान लीजिए x इक्वल टू क्या है जीरो, t इक्वल टू जीरो पर, ठीक है ना। अब हमने देखा कि एट t इक्वल टू जीरो पर पार्टिकल की वेलोसिटी किधर है नेगेटिव, पार्टिकल की वेलोसिटी किधर है नेगेटिव, मतलब पार्टिकल इज मूविंग इन नेगेटिव x डायरेक्शन, ठीक है ना। और कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है v नॉट से, और t इक्वल टू जीरो से t इक्वल टू t1 तक ये क्या है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी से क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि हम कह सकते हैं कि इस रीजन में एक्सेलरेशन क्या है जीरो, क्योंकि हमें पता है कि dv by dt इस कर्व का स्लोप t इक्वल टू जीरो से t1 तक क्या है जीरो है, तो स्लोप जीरो है vt कर्व का, तो हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन जीरो है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से नेगेटिव में क्या है मूव कर रहा है। तो मान लीजिए ये कुछ यहां तक गया कांस्टेंट वेलोसिटी से, मतलब v क्या रही आपकी कांस्टेंट रही, ठीक है ना, v क्या रही आपकी कांस्टेंट रही, ठीक है ना, और कहां तक रही है t इक्वल टू t1 तक, t इक्वल टू t1 तक। अब क्या हुआ, अब यहां पर t1 से t2 देखो वेलोसिटी, यहां से देखो इस कर्व का अगर स्लोप की बात करूं मैं, स्लोप तो स्लोप क्या हुआ है यहां पर पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव, मतलब T1 से T2 अगर मैं बात करूं, मान लीजिए T2 है, ठीक है, यहां से यहां तक जब पार्टिकल मूव किया है तो वेलोसिटी तो नेगेटिव ही है, बट क्या हो रही है घट रही है, मतलब वेलोसिटी तो नेगेटिव में ही है, डायरेक्शन क्या है नेगेटिव में ही है, बट घट रही है, मतलब वेलोसिटी यहां से यहां तक क्या हो रही है कम हो रही है, ठीक है।
उसका रीजन भी है क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है, मतलब एक्सेलरेशन क्या है, इधर है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है, इसकी वजह से यहां से यहां तक इसकी वेलोसिटी कम हो रही है और यहां पे आके क्या हो गई, जीरो। अब पार्टिकल ने क्या मारी, पलटी, और पलटी मार के यहां पे पार्टिकल क्या है, इधर निकल लिया। बात समझ आ रही है? तो ऐसा कुछ पार्टिकल के साथ में हुआ है। बात समझ आ रही है? मान लीजिए पार्टिकल टी वन टाइम तक पार्टिकल की अगर मैं बात करूं तो वो माइनस एक्स वन पे पहुंच गया, ठीक है ना, माइनस एक्स वन पे पहुंच गया। टी टू टाइम पे मैं कहूं मैं माइनस एक्स टू पे पहुंच गया। तो अगर मैं माइनस एक्स वन की बात करूं तो माइनस एक्स वन क्या है, माइनस एक्स वन क्या है, डिस्प्लेसमेंट। समझ आ रही है? तो वो क्या होता है, जीरो से टी वन तक जो एरिया अंडर द कर्व है ना, वो क्या है, एक्स वन, वही एक्स वन है, पता है, ये माइनस एक्स वन, मतलब एक्स वन जो आएगा वैल्यू नेगेटिव आएगा। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि मुझे पता है कि x से इधर ही है, तो अगर इसका एरिया अंडर द कर्व निकालूं तो यही क्या है, वो x1, और मुझे पता है कि ऑटोमेटिकली x1 की वैल्यू जो आने वाली है वो नेगेटिव आने वाली है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव लगाना जरूरत नहीं है। मुझे पता इसलिए है क्योंकि ये x इक्वल टू जीरो से लेफ्ट साइड में है, तो x1 की वैल्यू अपने आप नेगेटिव आएगी क्योंकि एरिया जो है वो नेगेटिव साइड में है। एरिया देखो किस में है, नेगेटिव साइड में। तो जीरो से टी1 तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ये कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, x1, तो इसका एरिया अंडर द कर्व क्या देगा, x1, ठीक है ना। अगर मैं इस एरिया की बात करूं तो ये एरिया क्या देगा, इस ट्रायंगल का एरिया क्या देगा, मतलब t1 से t2 का मतलब हुआ ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, x2 minus x1, तो ये जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी आपकी x2 minus x1, ये जो एरिया मिलेगा वो मिलेगा आपको x2 minus x1, और ये क्या है, ये क्या है, ये एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम टी वन टू टी टू। समझ आ रही है? तो ये आपको x2 माइनस x1 मिलेगा और इसकी वैल्यू भी नेगेटिव आएगी क्योंकि पता है यहाँ पे ये एरिया क्या है, नेगेटिव में है, इसलिए ऐसा इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो हमको यहाँ से सब कुछ मिल सकता है, किससे, वी टी कर्व से, ठीक है। लिखिए, सो इफ आई गिव यू दिस इज वी टी कर्व और मैंने आपको एक पैराबोला ही दे दिया है, ठीक है ना। अब अगर देखा जाए कि अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पे इसके बारे में मैं थोड़ा स्टडी करना चाहूँ तो देख सकते हैं, और वो क्या देख सकते हैं कि मान लीजिए ये एक्स है, पार्टिकल कहीं एक्स इक्वल टू जीरो से शुरू हो रहा है, ठीक है, किसी टी इक्वल टू जीरो पर। देख सकते हैं कि पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, जीरो है, किस पर, टी इक्वल टू जीरो पर, ठीक है ना। और यहाँ से कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो स्लोप देखा जाए, यहाँ से यहाँ तक स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ से यहाँ तक स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, इस कर्व का स्लोप यहां से यहां तक पॉजिटिव है, तो यहां से यहां तक स्लोप देखें तो वो क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब ये कह सकता हूं कि एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है। यहां पे इस पॉइंट पे हम कह सकते हैं कि स्लोप क्या है, जीरो, तो इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन जीरो है, और यहां से यहां तक क्या हुआ है, स्लोप क्या है, नेगेटिव, तो मैं कह सकता हूं कि एक्सेलरेशन इस पार्टिकल का नेगेटिव है, तो आगे भी एक्सेलरेशन पार्टिकल का क्या है, नेगेटिव है, ठीक है ना, ये सिचुएशन हो रही है, ठीक है। तो अब ये जो पॉजिटिव एक्सेलरेशन इसकी वेलोसिटी को बढ़ा रहा है, और इसकी पॉजिटिव एक्सेलरेशन वेलोसिटी को बढ़ा रहा है, और मान लीजिए यहां से यहां तक इसकी वेलोसिटी बड़ी बड़ी बड़ी, मान लीजिए किसी टी इक्वल टू टी वन पर इसकी वेलोसिटी कुछ मैक्सिमम हो गई, तो मान लो यहां से यहां तक जब मूव किया तो वेलोसिटी इसकी बड़ी, बट एक्सेलरेशन की बात करें तो वो क्या हो रहा है, घट रहा है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे स्लोप क्या हो रहा है, घट रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे घट रहा है। टी वन से टी टू अगर बात की जाए, टी वन से टी टू एक्सेलरेशन तो नेगेटिव है, मतलब एक्सेलरेशन घट रहा है, बट एक्सेलरेशन है किधर, इधर ही है, पॉजिटिव में है, एक्सेलरेशन किधर है, पॉजिटिव में, भले ही घट रहा है लेकिन है पॉजिटिव में, इसलिए वेलोसिटी को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। ये मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दे भी रखा था कि एक्सेलरेशन का घटना ये बिल्कुल मतलब नहीं होता कि वेलोसिटी कम हो रही है, एक्सेलरेशन का घटना ये होता है मतलब कि वेलोसिटी के चेंज होने की रेट घट रही है, बट वेलोसिटी नहीं घट रही, वेलोसिटी बढ़ती ही है। ये मैंने एक एग्जांपल भी दिया था आपको, बहुत अच्छे से कराया था अगर याद हो तो, ठीक है। अगर मैं आगे बढ़ूं कि टी वन से टी टू देखा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, एक्सेलरेशन मतलब टी वन से टी टू नेगेटिव है, मतलब किधर है, इधर है एक्सेलरेशन, ठीक है, ये एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव, मतलब टी वन से टी टू मतलब आगे के लिए क्या है, एक्सेलरेशन सारी जगह नेगेटिव है, देख सकते हैं क्योंकि इस कर्व का स्लोप क्या है, नेगेटिव, ठीक है। तो अगर टी वन से टी टू अगर मैं बात करूं तो यहां से यहां तक मान लीजिए टी इक्वल टू टी टू तक, यहां तक क्या हो रहा है कि जो एक्सेलरेशन है वो बढ़ रहा है, बट जो बढ़ रहा है ना वो किधर बढ़ रहा है पता है,
वो आपका नेगेटिव में बढ़ रहा है, इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, नेगेटिव में क्या है, बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से बेसिकली हम कह सकते हैं नेगेटिव में बढ़ने की वजह से इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, गिर रही है, घट रही है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, मैं आपको बता दूं कि इसकी वेलोसिटी यहां पे आके जीरो हो जाती है टी टू पर, और फिर क्या हो जाता है, ये पलटी मारता है और पलटी मार के कुछ ये ऐसे लौट जाता है, ठीक है, पलटी मार के ये क्या कर जाता है, ऐसे कुछ ये पार्टिकल लौट जाता है, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी हमेशा क्या है, नेगेटिव में बढ़ती रहती है। बेसिकली इसकी स्टडी की बात की जाए तो ये कैसे है, पार्टिकल कुछ यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी बढ़ी, फिर यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी कम हुई, फिर यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी क्या है, बढ़ती जा रही है, नेगेटिव में बढ़ती जा रही है, ऐसे ये निकल गया, ठीक है, तो ऐसे गया, फिर ऐसे ये जाता जा रहा है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए एक्स वन है, ये पॉइंट एक्स वन है, एक्स इक्वल टू एक्स वन, ये पॉइंट है मान लीजिए एक्स इक्वल टू एक्स टू। अगर मैं बात करूं कि x1 की वैल्यू की, तो x1 क्या है, x1 है 0 से t1 तक एरिया अंडर द कर्व, ये वाला वैल्यू क्या है, ये एरिया अगर मैं निकालूंगा तो ये x1 है। अगर मैं x2 की बात करूं तो x2 है आपका ये पूरा एरिया, ठीक है, अगर इस एरिया की मैं बात करूं ओनली तो ये एरिया क्या है आपका x2 माइनस x1, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद यहां से रखना है, क्योंकि VT कर्व का एरिया अंडर द कर्व क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। सो लिखिए, अब मैं आपको पार्टिकल की सिचुएशन दूंगा, पार्टिकल की क्या है, इनिशियल वेलोसिटी दूंगा और आपका उसका एक्सेलरेशन दूंगा और उसकी इनिशियल पोजीशन कहां पे वो मैं आपको दूंगा, देन यू नीड टू ड्रॉ द कर्व, क्या ड्रॉ करना है आपको, उसका कर्व ड्रॉ करना है। तो देखो देखो मैं क्या कर रहा हूं, मान लीजिए एक पार्टिकल है, ठीक है, एक पार्टिकल है, ये क्या है x, और पार्टिकल x इक्वल टू 10 मीटर से शुरू हो रहा है, पार्टिकल किससे शुरू हो रहा है, x इक्वल टू 10 मीटर से पार्टिकल शुरू हो रहा है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी आप ले लीजिए, और जो पार्टिकल शुरू हो रहा है वो किधर को हो रहा है, इधर, ठीक है ना, u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से शुरू हो रहा है, और इसका जो एक्सेलरेशन है a वो कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन वो क्या है, नेगेटिव वाला एक्सेलरेशन है, नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, ठीक है, और इसका आपको ड्रॉ करना है xt कर्व, क्या ड्रॉ करना है, xt कर्व आपको ड्रॉ इसका करना होगा, तो xt कर्व आपको ड्रॉ करना है और vt कर्व भी ड्रॉ करना है, और इसका xt vt और मैं कहूं आपको इसका at, xt vt एंड at कर्व इस सिचुएशन के लिए आपको ड्रॉ करना है। तो देखो अब हम मास्टर हो चुके हैं कर्व बनाने के लिए, तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो विजुलाइजेशन करते हैं यहां पे ए क्या है, ए नेगेटिव है, ए यहां पे हमको पता लगा कि वो नेगेटिव है, क्योंकि पार्टिकल के पास में जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन, ए नेगेटिव में है, तो इसका मतलब मुझे क्लियर पता है कि जो एक्सटी कर्व जो बनेगा वो कैसा बनेगा, ढुलता पानी, मतलब ए नेगेटिव का मतलब हुआ कि ओपनिंग उस पैराबोला की ओपनिंग किधर होगी, नीचे की तरफ, ओपनिंग पैराबोला की नीचे की तरफ, मतलब उल्टा पैराबोला, ये तो पता लग गया जो कर्व बनेगा वो उल्टा पैराबोला बनेगा, क्योंकि हमें ए नेगेटिव दे रखा है, ए नेगेटिव मतलब जो एक्स टी कर्व बनेगा वो उल्टा पैराबोला, ठीक है, जो वी टी कर्व बनेगा उसका मतलब, उससे हम क्या, उसके लिए क्या चीजें हमको मिल गई, A नेगेटिव मिला, इसका मतलब हमने VT कर्व का जो स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा, वो भी पता लग गया, AT कर्व वो तो सिंपल ही है क्योंकि A नेगेटिव है और वो भी कांस्टेंट है, तो AT कर्व तो कुछ है ही नहीं, सिंपल ही है, उसकी तो बात ही नहीं करेंगे, ठीक है, तो XT कर्व सबसे पहले देखते हैं, XT कर्व, सो इफ दिस इज X एंड दिस इज T, सो पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम X इक्वल टू 10 मीटर, मतलब T इक्वल टू 0 पर जो पार्टिकल है वो कहां पे है, x इक्वल टू 10 पर, मतलब पार्टिकल यहां से शुरू हो रहा है, मान लीजिए x इक्वल टू ये क्या है 10 है, x इक्वल टू 10 मीटर, और जो वेलोसिटी है इनिशियल वो पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव में वेलोसिटी है, इसका मतलब जो आगे जो ग्राफ जाएगा वो कुछ ऐसा जाएगा कि यहां पे अगर स्लोप बनाओ t इक्वल टू 0 पर तो वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, वो जो पॉजिटिव क्या होना चाहिए, स्लोप होना चाहिए टी इक्वल टू जीरो पर, क्यों, क्योंकि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, पॉजिटिव है, और इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव होने का मतलब ये हुआ कि एक्स टी कर्व का स्लोप डीएक्स बाई डी टी एट टी इक्वल टू जीरो शुड बी पॉजिटिव, और वो कितना होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, वो 10 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए,
क्योंकि ये क्या होता है, वेलोसिटी होती है, और वेलोसिटी टी इक्वल टू जीरो पर क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी। और ये क्या होता है बेसिकली, इसको एक और टर्म में लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं टेन थीटा। अब थीटा क्या है, 90 से कम होना चाहिए। यहाँ पे अगर एक स्लोप बनाया जाए, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ की जाए, तो वो टेंजेंट इस कर्व पर जो होनी चाहिए वो पॉजिटिव टी एक्सिस से जो एंगल बनाए वो क्या है, थीटा 90 से कम होना चाहिए। तो ये तो मुझे पता लग गया कि यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी, और ये भी पता लग गया कि जो कर्व बनेगा वो पैराबोला बनेगा, क्योंकि ये एक्सेलरेट कर रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जब जाएगा तो हमें पता है कि ये पैराबोला बनेगा, और एक्सेलरेशन नेगेटिव है, इसलिए पता लगा कि वो उल्टा पैराबोला बनेगा। तो सिंपल, कहानी खत्म। कहानी खत्म कैसे, क्योंकि कुछ ऐसे बनेगा, देखो खत्म, कहानी खत्म, ऐसे कुछ बनेगा। अब इसमें कुछ लिख लें, चीजें लिखते हैं कि मान लीजिए एक्स इक्वल टू जीरो कब होगा, यहां पे क्या हो रहा है, इस कर्व का स्लोप, इस कर्व का स्लोप क्या हो रहा है, बोलो इस कर्व का स्लोप क्या हो रहा है, जीरो, मतलब स्लोप जीरो, मतलब यहां पे वेलोसिटी क्या हो रही है, जीरो। तो ये भी टाइम निकाल लेते हैं कि कौन से टाइम पर, मान लीजिए टी वन टाइम पर इसकी वेलोसिटी जीरो हो रही है, टी इक्वल टू जीरो पे तो हमें सारी सिचुएशन पता है कि इसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव, और वो स्लोप जो है वो कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और x इक्वल टू 10 उसकी क्या है, पोजीशन, ये भी पता है, और ये भी टाइम निकाल लेंगे जब पार्टिकल ओरिजिन को पास करेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो कितने टाइम बाद होगी, ठीक है। मान लीजिए पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो यहां हो रही है टी वन टाइम बाद, ठीक है ना, तो मान लीजिए यहां पे वेलोसिटी जीरो हो रही है, तो बस निकाल दीजिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है ना। तो फाइनल वेलोसिटी जीरो, u कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, एंड एक्सेलरेशन क्या है, माइनस टू इंटू टी, तो t यहां से कितना आ गया, बोलो t वही t1 तो है, तो t1 यहां से 5 सेकेंड आ गया, तो 5 सेकेंड बेसिकली t1 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई आपकी, 5 सेकेंड, मतलब 5 सेकेंड पे ये क्या मारेगा, पलटी मारेगा, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, बोलो वेलोसिटी क्या होगी, बोलो वेलोसिटी क्या होगी, बोलो नेगेटिव, सॉरी वेलोसिटी जीरो होगी t इक्वल टू 5 सेकेंड पे। यहां से ऐसे जाएगा और फिर यहां पे क्या मारेगा, पलटी मारेगा और ऐसे निकलेगा, ठीक है। जब ऐसे निकलेगा 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 निकल जाएगा, तो ये जो टाइम होगा जब निकलने वाला ये टाइम है वो क्या है, t2, तो वो और निकाल लो। मतलब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, मतलब x इक्वल टू जीरो पर पार्टिकल कब जाएगा, मतलब x इक्वल टू जीरो पर पार्टिकल कब जाएगा, तो वो निकालने के लिए कुछ ऐसी बड़ी बात है नहीं। पार्टिकल को बेसिकली t इक्वल टू जीरो से कितना जाना है, x इक्वल टू मतलब यहाँ पे जीरो पे जाना है, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं कि ये अगर t2 टाइम निकालना है तो ये बहुत आसान है, कैसे, कि ध्यान से समझने की कोशिश करो कि डिस्प्लेसमेंट s इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ना, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब t इक्वल टू मान लीजिए t2 पर इसका डिस्प्लेसमेंट इसकी इनिशियल पोजिशन से कितना हो रहा है, बोलो कितना हो रहा है, ये इनिशियल पोजीशन पार्टिकल की, ये फाइनल पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, माइनस 10। तो डिस्प्लेसमेंट माइनस 10 इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 10 इंटू टी प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन माइनस 2 इंटू टी स्क्वायर। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो इजीली, यहां से बहुत अच्छे से आप कह सकता हूं मैं कि टी की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो, और जो टी की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, आपकी जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव वाली वैल्यू आपको ले लेनी है, और जो वैल्यू जो कैलकुलेट करके आपकी आएगी तो वो कुछ कुछ आ ही जाएगी, आप यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिएगा, ज़्यादा टेंशन आपको लेने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिए, मैंने एक बार और बता रहा हूँ कि कैसे लगा ये इक्वेशन, क्योंकि मुझे पता है कि पार्टिकल क्या कर रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, इधर जा रहा है, और फिर पार्टिकल इधर से इधर आ रहा है, मतलब इनिशियल पोजिशन पार्टिकल की ये है, फाइनल पोजीशन हमने ये ले रखी है, और यहाँ पे हमको क्या निकालना है, पार्टिकल का टाइम, कि ये फाइनल पोजीशन पे टाइम कितने टाइम बाद पहुँचेगा। तो मतलब पार्टिकल पहले इधर गया फिर इधर गया, बेसिकली इनिशियल पोजीशन पार्टिकल की ये, फाइनल ये, मतलब डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का कितना हुआ इनिशियल पोजीशन से, माइनस 10, तो ये डिस्प्लेसमेंट माइनस 10 लिख दिया। इनिशियल वेलोसिटी जो पार्टिकल की थी वो प्लस में थी, तो प्लस 10 लिख दिया, ठीक है ना, और इंटू टी प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना था, माइनस 2 इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से जो टी की पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी वो आप निकाल लेना, ठीक है, क्योंकि टी नेगेटिव कंसीडर करेंगे नहीं, क्योंकि टी नेगेटिव एग्जिस्ट करता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से टी की जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो हम कंसीडर कर लेंगे, और उससे हम कह देंगे कि वही क्या होगी, टी टू की वैल्यू होगी, वही टी टू की वैल्यू होगी। लेकिन फिर भी हम निकाल लेते हैं, अगर ज़्यादा कहें तो, देखो इसको थोड़ा सा क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं
माइनस टेन इक्वल टू टेन टी माइनस टी स्क्वायर, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि टी स्क्वायर माइनस टेन टी माइनस टेन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हम t इक्वल टू क्या लगाएंगे, माइनस बी प्लस माइनस, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर टेन स्क्वायर माइनस फोर ए सी, माइनस फोर ए सी, तो माइनस फोर इंटू ए क्या है वन है, c क्या है माइनस टेन, तो क्या हो जाएगा फोर ए सी, तो ये हो जाएगा फोर्टी अपॉन टू ए, ए क्या है वन, तो यहां से देख सकते हैं ये आएगा टेन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 140, स्क्वायर रूट ऑफ 140 अपॉन 2, देख सकते हैं कि 140 जो है स्क्वायर रूट ऑफ 140 10 से क्या होता है ज्यादा होता है, तो अगर यहाँ पर नेगेटिव लिया तो t की एक वैल्यू नेगेटिव आएगी, बट वो हमें चाहिए नहीं, इसलिए माइनस साइन हटा के ये जो वैल्यू आएगी वही क्या है आपकी t2, यही वैल्यू आपकी क्या है t2, तो यहाँ पर t2 की वैल्यू ये बेसिकली फिट कर देंगे, ठीक है ना। तो ऐसे हम कर्व ड्रॉ करेंगे किसी भी सिचुएशन को देकर, ठीक है। अब अगर हम vt कर्व ड्रॉ करना चाहें, VT कर्व, तो VT कर्व तो सिंपल है, वो कैसे है, मान लीजिए ये V है ये T है, T इक्वल टू जीरो पर, मुझे T इक्वल टू जीरो पर ये बताइए कि इसकी V कितना है, V है इसकी पॉजिटिव कितना 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है 10 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी। फिर क्या हो रहा है, इसका स्लोप नेगेटिव है, क्यों स्लोप नेगेटिव है, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो इसलिए स्ट्रेट लाइन बनेगा और स्लोप कॉन्स्टेंट भी है, इसलिए क्या कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन बनेगा और कुछ ऐसे जाएगा, और इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, वो कितने पर हो रही है t इक्वल टू टी वन पर, इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है जीरो, ठीक है, और t1 की वैल्यू हमने निकाली ली है 5 सेकंड, ठीक है ना। तो ऐसे हमारा ये कर्व बन जाएगा एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ठीक है ना। और जिसका स्लोप की अगर बात करें, जिसके स्लोप की अगर हम बात करें, तो स्लोप कितना है इसका माइनस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है कि इस vt कर्व का जो स्लोप होता है वो होता है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन इज माइनस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो दैट्स हाउ वी कैन फाइंड द स्लोप। एंड इफ आई टॉक अबाउट एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन को तो सिंपल है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, एक्सेलरेशन क्या है, ये a रहा और ये आपका t रहा, तो एक्सेलरेशन तो कॉन्स्टेंट दे रखा है जो कि माइनस टू दे रखा है, तो इसलिए माइनस टू ये सीधा का सीधा एक लाइन बन जाएगा क्योंकि कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो इट इज वेरी इजी, तो दैट्स हाउ वी कैन फाइंड द कर्व बाय द सिचुएशन, जो भी पार्टिकल की सिचुएशन दे रखी है उससे हम कर्व कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, वो हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। लिखिए, दिस अ पार्टिकल एंड दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है ना, वाई एक्सिस, दिस अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद 220 मीटर पर सेकेंड, कितने से 20 मीटर पर सेकेंड से एक पार्टिकल प्रोजेक्ट किया है, ठीक है ना। इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की क्या है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, और ये 0.0 से क्या किया है प्रोजेक्ट किया है, मतलब इनिशियल जो वैल्यू, इनिशियल जो सिचुएशन है पार्टिकल की वो क्या है 0.0, और y एक्सिस के अलोंग किया है, क्या है ये y एक्सिस के अलोंग, हम ये कह सकते हैं कि ये बेसिकली हम इस पार्टिकल को हम किस में ले रहे हैं अंडर ग्रेविटी, ठीक है ना। तो हमको लिखना क्या है बेसिकली y डिस्प्लेसमेंट का, हमको इसका कर्व बनाना है, बेसिकली हमको क्या कर्व बनाना है y t कर्व बनाना है, और इसका v t कर्व बनाना है, और इसका a t कर्व बनाना है, मतलब y t और v t और a t, v किस में y डायरेक्शन में, a किस में y डायरेक्शन में ही, y डायरेक्शन है, जैसे कि हम अब तक x में चल रहे थे ना, x में ही हम वेलोसिटी ले रहे थे, x में ही हम डिस्प्लेसमेंट, x डिस्प्लेसमेंट ले रहे थे, और x में ही हम एक्सेलरेशन काउंट कर रहे थे, तो ऐसे ही यहाँ पे हम किस में काउंट करेंगे y में, तो y t और v t और a t, सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर देखो तो हम ऊपर की डायरेक्शन को हमेशा पॉजिटिव मानते हैं, मैंने आपको बताया था, ठीक है, और अगर इसका देखा जाए तो एक्सेलरेशन किधर है, नीचे की तरफ, और कितना है वो माइनस जी, ठीक है, एक्सेलरेशन कितना है माइनस जी, हमें पता है कि इसका एक्सेलरेशन है नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, ठीक है। तो ये क्लियर पता होना चाहिए कि अगर मैं वाई टी कर्व बनाऊंगा, वाई टी कर्व अगर मैंने बनाया तो क्या होगा, तो ये होगा कि इसका जो कर्व बनेगा, एक तो मुझे क्लियर पता है कि ए क्या है, कांस्टेंट है, जो कि कितना है माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ए कांस्टेंट है, इसका मतलब पैराबोला बनेगा, ये तो पता है मुझे, समझ आ रही है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ क्या बनेगा, पैराबोला, ठीक है, ठीक है, मुझे पता लग गया क्यों पैराबोला बनेगा, बोलो 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 बोलो
अरे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, शुरुआत में तो बताया था ना। वाई डिस्प्लेसमेंट लिखोगे तो क्या लिखोगे, वाई इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ए क्या लोगे, माइनस जी। बात समझ आ रही है? मतलब अगर इसका y डिस्प्लेसमेंट लिखोगे, मान लीजिए किसी y पर इसका डिस्प्लेसमेंट मान लो y हो गया, तो y इक्वल टू क्या लोगे, डिस्प्लेसमेंट y और इनिशियल वेलोसिटी u इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे माइनस जी का माइनस आया है यहाँ पे, ठीक है। u कितना दे रखा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, 20। तो ये अगर इक्वेशन देखी जाए तो ये इक्वेशन देखो कैसी है, ये है माइनस जी बाई टू इंटू टी स्क्वायर प्लस 20 इंटू टी। तो बेसिकली ये इक्वेशन जो है वो किसकी है, पैराबोला की इक्वेशन है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन नेगेटिव, मतलब जो टी स्क्वायर के साथ में जो कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव है। इसके लिए जो पैराबोला बनेगा वो ढुलता पानी बनेगा, मतलब नीचे की तरफ ओपनिंग, क्या नीचे मतलब डाउनवर्ड ओपनिंग, डाउनवर्ड ओपनिंग बनेगा, ठीक है। उल्टा पैराबोला बनेगा, उल्टा पैराबोला बनेगा। बात समझ आ रही है? तो ये तो हमें पता चल गया कि पैराबोला कुछ ऐसा बनेगा, पैराबोला कैसा बनेगा, उल्टा। बट टी इक्वल टू जीरो पर पार्टिकल कहां पे है, वाई इक्वल टू जीरो पर, टी इक्वल टू जीरो पर पार्टिकल कहां है, वाई इक्वल टू जीरो, तो ये भी पता लग गया। और एक और बात पता लग गई कि टी इक्वल टू जीरो पर वेलोसिटी कितनी है, बोलो बोलो बोलो। मतलब डी वाई बाई डी टी की बात करूं, डी वाई बाई डी टी क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी है। और डी वाई बाई डी टी एट टी इक्वल टू जीरो, मतलब टी इक्वल टू जीरो पर अगर मैं बात करूं तो वो कितनी दे रखी है यू, और वो कितनी दे रखी है 20, और वो कितनी दे रखी है पॉजिटिव प्लस 20। इसका मतलब, इसका मतलब ये भी मुझे पता है कि अगर यहाँ पे कर्व पर एक टेंजेंट मैंने बनाई तो उसका स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये हमें क्लियर पता लग गया कि ये जो कर्व बनेगा एक तो उल्टा बनेगा और कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, पैराबोला जैसा, ठीक है। अब मैं एक चीज जानने की कोशिश कर रहा हूं, वो ये कि ये क्या है, वाई है, ये क्या है, टी है। ये तो हमें पता लग गया, ये उल्टा क्यों बना, क्योंकि इसके लिए ए की वैल्यू क्या थी, नेगेटिव, ठीक है ना। मतलब जो टी स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट था वो क्या था, नेगेटिव, इसलिए ए नेगेटिव से वो उल्टा बन गया, ठीक है। और यहां पर क्या है, अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो टेंजेंट हम क्या कहेंगे, अगर वो टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो क्या कहेंगे उसके बारे में, मुझे बताइए। उसके बारे में हम बोलेंगे कि वो क्या होगी, पॉजिटिव स्लोप वाली होगी, पॉजिटिव स्लोप वाली होगी, स्लोप वाली होगी, ठीक है। अब एक चीज यहां पे क्या हो रहा है, बेसिकली यहां पे है डी वाई बाई डी टी क्या हो रहा है, जीरो। मतलब वाई डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी जीरो कब होगी, वो तो हम निकाल सकते हैं। ये कहीं यहां पे जहां पे ये पलटी मारेगा, जहां पे ये क्या मारेगा, पलटी मारेगा, समझ आ रही। तो यहां पे जब पलटी मारेगा, जहां पे ये पलटी मारेगा, तो हम कह सकते हैं कि यहां पे वेलोसिटी फाइनल क्या होगी, जीरो, ठीक है। तो ये हमको अगर टाइम निकालना है तो ये हम टाइम टी वन मान लें, ये हम टी टू मान लें, ठीक है। तो टी वन टाइम पर क्या हो रहा है, इसकी वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी जीरो हो रही है, तो उसको निकालना तो कुछ बड़ी बात नहीं है। तो वो टाइम निकालने के लिए तो हम क्या कह सकते हैं, वो टाइम आ जाएगा आपको कि मान लीजिए कुछ h हाइट, मतलब y डिस्टेंस कुछ कवर किया इसने, मान लीजिए कुछ मैक्सिमम हाइट y नॉट इसने कवर किया, मैक्सिमम हाइट कुछ y नॉट कवर किया, वो भी हम निकालेंगे कि कितनी मैक्सिमम हाइट इसने कवर किया है। तो मैक्सिमम हाइट h मैक्स निकालने के लिए हम क्या करते थे, बोलो, h मैक्स के लिए हम निकालते थे u स्क्वायर बाई 2g, ठीक है। u कितना दे रखा है, 20 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10, तो ये हो जाता है आपका 20 मीटर। मतलब एच मैक्स, मैक्सिमम वाई में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है इसका, 20 मीटर। सो हम कह सकते हैं कि ये क्या आ गया, एच मैक्स आपका आ गया 20 मीटर, ठीक है। तो अब यहां से यहां तक का टाइम निकाला है, यहां से यहां तक का क्या निकाला है, टाइम निकाला है। तो क्या कर देंगे हम, वी इक्वल टू यू प्लस 80, वी इक्वल टू यू प्लस 80 में वी क्या है, जीरो, ठीक है ना। और यू क्या है बोलो, 20, और प्लस ए क्या है, माइनस 10 इंटू टी, तो यहाँ पे टी इक्वल टू आ जाता है आपका 2 सेकेंड, ठीक है ना। तो ये टी वन की वैल्यू कितनी आ जाती है, 2 सेकेंड। टी टू क्या है, बेसिकली टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब इसका वाई डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जीरो हो गया है, मतलब यहाँ से ऊपर गया फिर से नीचे यहाँ पे ही आ गया है, वाई इक्वल टू जीरो पर ही आ गया है पार्टिकल। इसका मतलब ये है टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब जितना ये ऊपर जाने में टाइम लगा उतना ही नीचे आने में, तो ये 2 और 2 4, तो T2 को डायरेक्ट लिख सकते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट विच इज 4
सेकेंड, ठीक है। तो ऐसे हम इसकी स्टडी कर सकते हैं और वाई टी कर्व इसका ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मैं वी टी कर्व ड्रॉ करूं तो वी टी कर्व कैसे ड्रॉ होगा, ये वी एंड ये आपका टी। तो यहाँ देख सकते हैं कि वेलोसिटी इनिशियल कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। और जो एक्सेलेरेशन है इसका नेगेटिव है, तो इसके लिए नेगेटिव स्लोप बनेगा, और एक्सेलेरेशन नेगेटिव होने के साथ साथ में क्या है, कांस्टेंट भी है, कांस्टेंट भी है, और एक्सेलेरेशन कितना है -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसलिए ये कुछ ऐसा बना, और वेलोसिटी जीरो कहाँ हो रही है, टी इक्वल टू देख सकते हैं 2 सेकेंड पर क्या हो रही है, वेलोसिटी जीरो। अगर हमको एटी कर्व ड्रॉ करना है तो एटी कर्व हम ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि क्या बनेगा, ए इक्वल टू यहाँ पे कितना आएगा माइनस जी, तो कांस्टेंट बनेगा, ठीक है। ऐसे हम इसकी स्टडी कर सकते हैं। दिस इज अ टावर एंड दिस इज 0.0। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद 10 मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज 15 मीटर, ठीक है। तो आपको क्या ड्रॉ करना है, मैं आपको बता दूं, फाइंड आउट ये आपको दे रखा है, इसके लिए आपको ड्रॉ करना है वाई टी कर्व और वी टी कर्व और ए टी कर्व। तो आप ध्यान से समझने की कोशिश करो कि इसमें पार्टिकल शुरू हो रहा है कहां से, 0.0 से, ठीक है ना। और अब अगर देखा जाए कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, नेगेटिव में ही है, एक्सेलरेशन क्या है नेगेटिव ही है, और कितना है -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। एक्सेलरेशन नेगेटिव है, इससे तो हमें ये क्लियर पता लग गया कि जो ग्राफ बनेगा, जो कर्व बनेगा वो क्या बनेगा, नीचे की तरफ ओपनिंग, समझ आ रही है, ओपनिंग डाउनवर्ड, ठीक है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ओपनिंग, मतलब डुलता पानी, समझ आ रही है। यहां से हम कह सकते हैं कि ये अगर जो वाई टी कर्व अगर हमने ड्रॉ करने की कोशिश की तो वो किधर बनेगी, ये तो हम कह सकते हैं कुछ ऐसे बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा। और पैराबोला क्यों बनेगा, ये हमने कैसे बताया, पैराबोला इसलिए बनेगा क्योंकि ए कांस्टेंट है, समझ आ रही है। और उल्टा पैराबोला क्यों बनेगा, क्योंकि ए नेगेटिव है, ठीक है, टी स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है वो क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। दूसरी बात अब समझने की कोशिश करते हैं कि 0.0 से क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है, मैक्सिमम कितना जा रहा है ये हमको निकालना है कि मैक्सिमम ये कितना ट्रेवल करेगा। तो यहां से ये मैक्सिमम कितना जाएगा, मान लीजिए मैक्सिमम यहां तक कहीं जा रहा है, यहां से एच मैक्स कुछ ऐसी है इसकी। तो ये एच मैक्स निकालने के लिए कुछ करना नहीं है हमको, एच मैक्स हमारी हो जाएगी कुछ ये 10 स्क्वायर अपॉन 2 × 10, ठीक है, इसको लगभग क्या ले लो, -10 ले लो, ठीक है ना, जी को कितना ले लो, 10 ले लो, ठीक है ना। तो हम यहां से कह सकते हैं इट इज इक्वल टू 5 मीटर, मतलब मैक्सिमम 5 मीटर तक जाएगा, ये मैक्सिमम कितने तक जाएगा, 5 मीटर तक जाएगा। अब क्या होगा, ये पार्टिकल ऐसे जाके ऐसे लौट के इधर जाएगा, समझ आ रही है। और हम कहें कि जो नेगेटिव में इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, बेसिकली नेगेटिव में इसका कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, इसका वो होगा यहां से 0.0 से, ये 0.0 है, मतलब 0 है, y की वैल्यू क्या क्या है यहां पे, 0 है, y की वैल्यू यहां पे क्या है, 0 है, यहां पे y की वैल्यू 0 है, तो y में ये नेगेटिव में -15 तक और जाएगा, मतलब यहां पे पार्टिकल नेगेटिव में -15 मीटर तक और जाएगा। बात समझ आ रही है, पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में भी होगा। तो बेसिकली हम क्या कहें कि एक तो ये उल्टा कर्व बनेगा, मतलब क्या कहेंगे, उल्टा पैराबोला बनेगा, ठीक है ना। और दूसरा हम कह सकते हैं कि नीचे -15 तक जाएगा, ठीक है। एक और बात हम देखना चाहें तो इसको हम डायरेक्टली ऐसे बना सकते हैं कि ये इनिशियल पॉइंट पे देखो, इनिशियल वेलोसिटी क्या, +10, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहां पे अगर इस कर्व पर टेंजेंट ड्रॉ की जाए तो वो क्या होगी, टेंजेंट उसका स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। क्यों होगा पॉजिटिव, क्योंकि हमें पता है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव, ठीक है ना। तो हम ये देखो कर्व कुछ ऐसा बनेगा, उल्टा पैराबोला, कुछ ऐसा कर्व ये बन जाएगा, और मैक्सिमम ये कर्व कहां तक चला जाएगा, यहां तक जाएगा, ठीक है ना। तो अब आपको क्या निकालना है, मैं आपको बता दूं कि ये जो टाइम है वो लिखने हैं, एक तो यहां का टाइम लिखना है, ठीक है, एक तो यहां का टाइम लिखना है, और एक ये टाइम लिखना है, और एक आपको ये टाइम लिखना है, ठीक है। मान लीजिए इसे T1 मैं मान दूं, इसे T2 बोल दूं, इसे T3 बोल दूं। तो अब मैं कहूंगा कि यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगा, तो मैं कर दूंगा v इक्वल टू u प्लस at, ठीक है ना। v कितना है यहां पे,
मैक्सिमम कितना जाएगा जब यहाँ पे v इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो जीरो इक्वल टू टेन माइनस टेन टी, तो टी इक्वल टू वन सेकेंड में कहाँ पहुंच गया था ये ऊपर, और फिर वन सेकेंड में ऊपर पहुंचेगा, वन सेकेंड में फिर लौट के यहाँ पे आ गया, तो टी इक्वल टी वन इक्वल टू क्या हो जाएगी वन सेकेंड, और टी टू इक्वल टू क्या हो जाएगी टू सेकेंड, ठीक है ना। अब टी थ्री देखते हैं, मतलब टी थ्री देखते हैं, जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ रहा होगा, तो अब हमें पता है कि जब पार्टिकल ऊपर कितने से जा रहा था 10 मीटर पर सेकंड से, तो हमें पता है कि जब सेम लेवल पे जब होता है, सेम लेवल पे जब लौट रहा होता है, तो वो सेम वेलोसिटी से लौट रहा होता है, ये हमको पहले से पता है। तो यहाँ से यहाँ के बीच में हम क्या लगाते हैं v इक्वल टू, मतलब यहाँ से यहाँ के बीच में s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दें। देखो यहाँ से यहाँ के बीच में, मान लीजिए ये इनिशियल पोजिशन, ये फाइनल पोजिशन, यहाँ से यहाँ के बीच में हम क्या लगाते हैं s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट कितना है नेगेटिव में, कितना माइनस 15, यू कितना है माइनस 10, क्योंकि मैं यहां से यहां तक लगा रहा हूं, ठीक है ना, माइनस 10 इंटू टाइम निकालना है, ठीक है, प्लस हाफ इंटू एक्सलेशन कितना है माइनस 10 इंटू टी स्क्वायर। तो यहां से हम कह सकते हैं कि आसानी से यहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं, दो से ये देखो 5 टाइम कट गया, ये 5 से, ये 2 बार, ये 3 बार, ठीक है ना, और ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस भी गया, तो यहां पे 3 बचा, यहां पे 2t बचा, और यहां पे क्या बचा, ये प्लस टी स्क्वायर बचा। तो फाइनली अगर यहां पे थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करें, तो ये है आपका टी स्क्वायर, यहां आ जाइए थोड़ा सा, ठीक है ना, तो टी स्क्वायर प्लस टू टी माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, तो टी इक्वल टू क्या बी स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, फोर ए कितना है वन इंटू सी कितना है माइनस थ्री, तो ये अपॉन टू ए, टू इंटू ए क्या है वन, माइनस टू प्लस माइनस, यहां देखो ये फोर और ये कितना है 12, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 12 प्लस 4 16, ठीक है, अपॉन 2। तो ये देखो माइनस तो ले नहीं सकते क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम कह सकते हैं ये माइनस 2, ये प्लस साइन यहां पे लेंगे और ये हो जाएगा 4 अपॉन 2। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि आसानी से हम यहां पे बोल सकते हैं कि 4 माइनस 2 कितना 2, तो ये 1 सेकंड। तो बेसिकली पार्टिकल ने यहां से यहां आने में कितना टाइम और लिया 1 सेकंड, तो मतलब यहां से यहां जाने में पार्टिकल ने यहां से यहां जाने में 1 सेकंड और लिया, तो यहां पे t3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 सेकंड। सो दैट्स वेरी सिंपल, ठीक है ना, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। अगर हमको vt कर्व ड्रॉ करना है, क्या ड्रॉ करना है, अगर हमको vt कर्व ड्रॉ करना है तो इट इज वेरी वेरी सिंपल, ये देखो v और ये आपका क्या है t कर्व, ठीक है ना, इनिशियल वेलोसिटी क्या पॉजिटिव में है और एक्सेलरेशन नेगेटिव में, तो कुछ ऐसे जाएगा ये कर्व, ठीक है ना, और ये मैक्सिमम कहां तक जाएगा, मान लीजिए ये टी थ्री बोल दो, ठीक है ना, और ये मान लीजिए टी वन बोल दो, और ये क्या है आपका 10 मीटर पर सेकेंड, और ये मान लीजिए कुछ टी टू बोल दो, जब इसकी माइनस 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी होगी, तो ये क्या होगा टी टू, टी वन टी टू टी थ्री पता है, बस हमको ये नहीं पता कि ये वेलोसिटी क्या आएगी, मतलब ग्राउंड पे टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो ग्राउंड पे टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी क्या होगी, बस वो हमको निकालनी है, यहां से जस्ट टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो निकाल दीजिए आई और एफ के बीच में, फिर से लगा दीजिए क्या इक्वेशन, क्या लगा दीजिए वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो वी क्या निकालनी है ग्राउंड पे कितनी होगी, यू कितनी दे रखी है माइनस 10, और ए कितना दे रखा है माइनस 10, ठीक है, टी कितना है यहां से यहां तक टाइम कितना लगा था 1 सेकंड, तो हम कह सकते हैं इट इज माइनस 20 मीटर पर सेकंड, माइनस 20 मीटर पर सेकंड क्या आ जाएगी वेलोसिटी वी किस पर टी थ्री टाइम पर, तो यहां पे कह सकते हैं इट इज माइनस 20 मीटर पर सेकंड। तो दैट्स हाउ वी कैन फाइंड द वीटी कर्व, इफ आई टॉक अबाउट द एटी कर्व तो इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, तो एटी कर्व क्या बन जाएगा सीधा माइनस जी, ठीक है ना, कॉन्स्टेंट लिखिए। सो दिस इज योर एग्जाम्पल इन विच यू कैन सी दिस इज द पार्टिकल एंड द वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल इज 10 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड एंड दिस इज 0.0, मतलब पार्टिकल इज स्टार्टिंग इट्स जर्नी फ्रॉम 0.0, ठीक है, एंड इसके लिए आपको वाई टी वी टी एंड ए टी का बनाना है। तो इसमें भी अगर देखा जाए ऊपर की डायरेक्शन क्या है पॉजिटिव, ठीक है, तो अगर मैं देखूं
कि इसमें भी अगर मैं ऊपर की डायरेक्शन को मैंने वाई एक्सिस भी मान रखा है, ठीक है ना, एक्सेलरेशन यहाँ पे भी क्या, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है इसका मतलब जो कर्व बनेगा वो क्या बनेगा, उल्टा पैराबोला। उल्टा पैराबोला मतलब डुलता पानी, बात समझ आ रही है, उल्टा पैराबोला, उल्टा पैराबोला, ठीक है। और इनिशियली अगर देखा जाए तो सिंपल मैं जल्दी से बना देता हूँ इसको, ये आपका वाई है और ये आपका क्या है, टी। तो उल्टा पैराबोला बनेगा। और उसके साथ साथ में एक और चीज कि जो इनिशियल वेलोसिटी है ना, इनिशियल वेलोसिटी है ना, उल्टा पैराबोला तो बनेगा बट इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे नेगेटिव है। देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, -10। इसका मतलब dy/dt क्या है, वेलोसिटी, और वो t इक्वल टू जीरो पर अगर बात की जाए तो वो क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी। तो बेसिकली t इक्वल टू जीरो पर dy/dt बेसिकली क्या है, नेगेटिव। और ये जब नेगेटिव है तो इसका मतलब अगर t इक्वल टू जीरो पर अगर स्लोप बनाऊं, अगर कर्व पे एक स्लोप बनाओ तो वो टेंजेंट जो बनेगी वो क्या बनेगी, नेगेटिव स्लोप की बनेगी, समझ आ रही है। और कर्व जो है वो क्या है, ढुलता पानी भी है, मतलब कर्व जो है उल्टा पैराबोला भी है। कर्व क्या है, उल्टा पैराबोला भी है, और उस पर जो टेंजेंट बनेगी टी इक्वल टू जीरो पर वो क्या है, नेगेटिव स्लोप की कुछ बनेगी, बात समझ आ रही है। इसका मतलब उल्टा पैराबोला बनाना है, उल्टा पैराबोला बनाना है और t इक्वल टू जीरो पर स्लोप को क्या रखना है, नेगेटिव। तो मैं आपको बता दूं ये कुछ ऐसा कर्व बनेगा, ठीक है ना, कुछ ऐसा कर्व ये बन जाता है उल्टा पैराबोला, और यहाँ पे t इक्वल टू जीरो पर जो स्लोप होता है वो नेगेटिव होता है, देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपका वाई टी कर्व बन जाता है, ठीक है। और यहां से देख सकते हैं कि ये वाई की सिचुएशन है, और नेगेटिवली में, नेगेटिव में y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा सकती है, उसके बाद ये रुक जाएगा और वो जा सकती है ये, वो कितनी है, -40, ठीक है। ये अगर टाइम निकालना है तो टाइम कैसे निकालेंगे, सिंपल निकाल लीजिए यहां से यहां तक का कितना टाइम लगेगा, ये भी मैं निकालने बताऊंगा क्या, नहीं ना। फिर भी एक चीज और बता देता हूँ कि इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे। तो वाई मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर ना, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, मान लो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, y हो गया, क्योंकि y एक्सिस है, तो उसमें y में y डिस्प्लेसमेंट हो गया, इनिशियल वेलोसिटी कितनी, -10 इंटू टी और प्लस हाफ इंटू -10 इंटू टी स्क्वायर। तो यहां से देख सकते हैं कि ये कुछ आता है वो -10/2 इंटू टी स्क्वायर -10 इंटू टी। तो यहां से देख सकते हैं जो टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव है, तो इसलिए जो वाई और टी में जो कर्व बनेगा, जो पैराबोला बनेगा वो क्या बनेगा, डुलता पानी, मतलब क्या है, ऐसे उल्टा पैराबोला। तो दैट्स हाउ वी कैन फाइंड। एंड इफ आई टॉक अबाउट द वेलोसिटी वीटी कर्व, तो वीटी कर्व इज वेरी सिंपल, पहले तो क्लियर है कि जो वेलोसिटी है इसकी, वेलोसिटी वो क्या है, नेगेटिव। सो दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी वो क्या है, नेगेटिव, वो क्या है, -10 meter per second, ठीक है ना। और इसलिए कर्व का स्लोप भी क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि हमें पता है कि एक्सेलरेशन भी क्या है यहाँ पे, नेगेटिव। और एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt। VT कर्व का स्लोप, और VT कर्व का स्लोप यहाँ से कह सकते हैं कि अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो VT कर्व का स्लोप भी क्या है, नेगेटिव। तो ये बेसिकली कैसे बन जाएगा, ऐसे ऐसे इसका VT कर्व बन जाएगा। और AT कर्व के बारे में तो हम ज़्यादा बातें करेंगे नहीं, क्योंकि AT कर्व तो सेम ही बनेगा और वो ये बन जाएगा, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी है, -g, ठीक है। लिखिए,